स्वागत है आपके अपने चैनल मेमोरीज विद कथक शुक्ला पर। तो जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मार्केट में भी खूब आम आने लगे हैं। तो आज चलिए मैं भी लेके आ गई हूँ मार्केट से कच्चे कच्चे आम, और इसकी बनाऊंगी मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है और बड़ों को भी, सभी को पसंद होता है। शुरू करते हैं बनाना गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ पे देखिए, हमने आम को अच्छे से धुल के और पोंछ के ले लिया है। अब हम इसे छील लेंगे पूरा। तो छीलते समय ये ध्यान रखिए कि इसके पहले मुंह इसका काट दीजिए, फिर इसे अच्छे से छीलिए, इसमें कोई रेशा न रहे। और आम एकदम कच्चा होना चाहिए, बिल्कुल पका नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पूरा आम छीलने के बाद अब हम इसे पीसेस में काट दे रहे हैं। तो इसे पीस आप बड़ा भी रख सकते हो, छोटा भी रख सकते हो। यहाँ हम बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का पीस रख रहे हैं। तो गुठलियाँ हटा के फटाफट इस पूरे आम को हमने कट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, आम मेरा कट हो गया है और धुल तो पहले ही लिए थे हम, तो इसे धुलने की जरूरत अब नहीं है। तो इसकी चटनी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है, और इसे हफ्ते 10 दिन आप बाहर रख सकते हो। अगर लंबे समय तक रखना है तो इसे फ्रिज में रखिए, बाहर रखने से इसकी चटनी खराब हो जाती है। तो अब चलिए छौंक लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा के इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। तो तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तभी हम तड़का लगा देंगे। तो हल्का तेल मेरा गर्म हो गया है, बस इसी पे हमने हींग डाल दिया, थोड़ा आधा चम्मच मेथी दाना डाल दिए हैं, और इसी में जीरा डाल देंगे और सौंफ डालेंगे। तो सब चीज़ खड़ा मसाला थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे, और एक कलौंजी भी हमने डाला, तो ये मसाला जलने ना पाए, इसलिए मतलब तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही हल्का ब्राउन होने लगे मसाला, तभी इसमें हम आम डाल देंगे। तो देखिए, आम हमने डाल दिया है और इसे बराबर चला दिए हैं। और इसे चला देंगे अच्छे से, मिक्स हो जाए, फिर इसमें हम सादा नमक 1 चम्मच तक डाल दिए हैं और थोड़ी सी हल्दी। क्या होता है, इसे कलर अच्छा आता है। तो हल्दी भी डाल के आम को चला के अब ढक देंगे। अगर हम गुड़ इसमें पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ पहले डाल देने से क्या होता है कि आम कड़ा पड़ जाता है, शुरू से ही पकता रहता है। और अगर ऐसे पका के आप बाद में गुड़ डालोगे तो आम जो है आपका बहुत बढ़िया पक जाएगा, एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो जब तक हमारा उधर पक रहा है आम, तब तक हम इधर गुड़ निकाल लेते हैं। तो जितना आम हमारा रहेगा उतना ही गुड़ हम लेंगे। तो गुड़ को छोटा छोटा फोड़ के इसको हम रस बना लेंगे। तो ऐसे भी हम घोल सकते हैं इसे, लेकिन अगर आग पे चढ़ा देंगे तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, उधर आम मेरा पक रहा है, तब तक इधर हम गुड़ को गला लेंगे। 1 गिलास पानी डाल के और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए हैं, तो बहुत जल्दी गल जाएगा। इसे हमें कोई सिरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस गुड़ को हमें पिघलाना है यहाँ पे। तो बस तेज आंच पे हमने चढ़ा दिया है, और जब तक ये पिघलेगा तब तक इधर हमारा आम अच्छे से पक जाएगा। तो
बीच बीच में इसे चलाते रहें। तो यहाँ पे देखिए चेक कर रहे हैं, आम अच्छे से पक चुका है और बिल्कुल आंच को इसी समय मीडियम में कर देना है हमें, क्योंकि जब तेज आंच रहेगा तो आम बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा, इसलिए आंच को एकदम कम कर देना है। और इसी समय हम डाल देंगे अचार मसाला। तो अचार मसाले में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पीसे हैं, इसमें सौंफ है, जीरा है, मेथी दाना थोड़ा सा है, थोड़ी सी धनिया, और ऊपर से जो लाल कश्मीरी लाल मिर्च है इसे डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा सा लाल मिर्च भी ऊपर से डाल दिए हैं कि जिससे कि हल्का सा चटपटा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा काला नमक डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए सब मसाला हमने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से चला देंगे फिर से एक बार। और थोड़ा सा सादा नमक फिर से हमने डाला है यहाँ पे। इधर अचार में सारे मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं, तब तक गुड़ भी हमारा उधर अच्छे से मेल्ट हो गया है। बस देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, अब इसे हम दबा दबा के सारे जो इसमें है ढोके उसे हम फोड़ देंगे। इससे ये फायदा रहता है ना कि जब गुड़ मेल्ट हो जाता है तो इसे हम छान देते हैं तो जो भी इसमें रहता है वो सब कचड़ा निकल जाता है गुड़ का, तो अचार में हमारा एकदम फ्रेश गुड़ का पानी जाता है। तो अब बस इसे धीरे धीरे चलाते जाएंगे और थोड़ी देर तक इसे पकने देंगे। तो इसे बहुत ज्यादा देर तक हमें नहीं पकाना है, बस 2-3 मिनट पका देंगे। और देखिए यहाँ ये पक गया है, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, खट्टा मीठा ये चटनी। और थोड़ा सा काला नमक ऊपर से और डाल दे रहे हैं, थोड़ा सौंठ पाउडर भी हमने इसमें डाला है, क्योंकि और भुना हुआ जीरा, इसका स्वाद सौंठ पाउडर का बहुत बढ़िया आता है गुड़ की चटनी में। तो बस देखिए अब पक्के एकदम तैयार हो गई है। देखने में आपको लग रहा है ना कि रसा थोड़ा पतला है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो एकदम रसा हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। तो बस इसे बनाइए, आप लोग भी खाइए और कमेंट द्वारा बताइए कि कैसा लगा आपको ये चटनी। बस इसी समय गैस को हम बंद कर देंगे, अब ये धीरे धीरे जैसे ही ठंडा होगा तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे चटनी मेरी बन के तैयार हो गई है, और अब इसे किसी जार में हम भर के रख देंगे और आराम से खाइए, ब्रेड में लगा के खाइए, और पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, और बच्चों के टिफिन में भी दीजिए आप। दोस्तों ये देखिए मेरे आम का खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे अब आप देखिए कांच के जार में हमने भर के रख दिया है, इसे हफ्ते महीने आप खा सकते हैं, और उसके बाद खत्म हो जाए तो फिर बनाइए। तो दोस्तों आम की खट्टी मीठी चटनी कैसी लगी आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।